डीडी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, सरसों, कपास, सेब और लाल मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भाव पर चर्चा के लिए होंगे हमारे साथ मौजूद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उतार चढ़ाव के साथ हुआ मक्का का कारोबार, प्रतापपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 50 रुपए बढ़े अरहर के भाव, अलीगढ़ मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की गिरावट। सरसों की पैदावार में बढ़त की उम्मीद, 132,59,000 टन उपज होने का है अनुमान। आइए बात करते हैं मक्का की। मंडियों में मक्का की आवक इन दिनों सामान्य है। गुरुवार को मक्का के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बता दें कि घरेलू स्तर पर मक्का की कुल पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। गुरुवार को दाहोद और जलगांव मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कोटा और फैजाबाद मंडी में मक्के की खरीद नरमी के साथ हुई। हालांकि इस दौरान प्रतापपुर मंडी में मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में 23 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 2,225 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुई और भाव 2,225 रुपए पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 23 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 2,450 रुपए, जो कि 24 अक्टूबर को 50 रुपए की छलांग लगाकर 2,500 रुपए हो गया। इसी तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी मक्का के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 24 अक्टूबर को इसका भाव 150 रुपए की मजबूती के बाद 1,450 रुपए से 1,600 रुपए हो गया, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 23 अक्टूबर को इसका भाव रहा 2,100 रुपए, जो कि 24 अक्टूबर को 100 रुपए लुढ़क कर 2,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 23 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 2,620 रुपए, जो कि 24 अक्टूबर को 20 रुपए गिरकर 2,600 रुपए के स्तर पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 376,65,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 4,20,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए मक्का के बाजार पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बारे में आगे क्या संभावना लग रही है आपको। मक्का की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल। तो शिव श्रीवास्तव जी, आपके पास एक बार फिर से हम जरूर वापस लौटेंगे दूसरे कृषि जिन्सों का हाल लेने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हम यहाँ पर अरहर की।
कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरहर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके अगर भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में अरहर के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। अरहर के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। गुरुवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 23 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 7,400 रुपए, जो कि 24 अक्टूबर को 50 रुपए उछलकर 7,450 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में भी अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 24 अक्टूबर को इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 7,750 रुपए से 7,800 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 23 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 10,700 रुपए, जो कि 24 अक्टूबर को 100 रुपए टूटकर 10,600 रुपए पर आ गया। राज्य की मिर्जापुर मंडी में 23 अक्टूबर को अरहर के सौदे 10,575 रुपए पर हुए। 24 अक्टूबर को यहां इसका भाव 25 रुपए की गिरावट के बाद 10,550 रुपए हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इस दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 23 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 10,500 रुपए, जो कि 24 अक्टूबर को भी 10,500 रुपए पर बरकरार रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 1,05,000 टन की बढ़त हो सकती है। तो जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा, अरहर में जो है वो बढ़त हो सकती है पिछले साल के मुकाबले इस साल। लेकिन अगर फिलहाल के लिए बात करें हम अरहर के बाज़ार की, तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, गुरुवार को जो है यहाँ पर आवक सामान्य रही और काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ जो है वो यहाँ का बाज़ार देखा गया। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और अब बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा उड़द का बाज़ार भाव। तो गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,700 रुपए और यहीं की ध्रोल मंडी में इसके सौदे 7,555 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात करें तो यहां पर उड़द 8,000 रुपए पर बिके और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में उड़द का भाव रहा 6,680 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन आइए पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सरसों की। इस साल तिनहली फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। वहीं बात अगर इसकी आवक की करें तो मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को एगमार्क नेट के मुताबिक, आपको बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 5,400 रुपए, तो वहीं राजस्थान के कोटा मंडी में इसके सौदे 5,800 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 6,020 रुपए। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 6,000 रुपए। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिससे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है।
सरसों के बाद अब बारी आती है बात करने की तिल के बारे में। तो तिल के बाजार जो है वो कैसा रहा और उसके वहां पर भाव किस तरह रहे, आइए जानते हैं देश की अलग अलग मंडियों का हाल। गुजरात की द्रोल मंडी में तिल का भाव रहा 9,650 रुपए, यहीं की राजकोट मंडी में इसके सौदे 11,250 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल 12,500 रुपए पर बिकी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की अगर आपको जानकारी दे तो यहां पर तिल 11,500 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं संतरे के बाजार भाव की। तो हरियाणा की शाहबाद मंडी में संतरे का भाव रहा 3,500 रुपए। अगर बात करें हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो यहां पर भाव रहा 4,000 रुपए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए और पंजाब की जलंधर मंडी में संतरा 2,700 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कपास की। तो मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 6,900 रुपए। तो वहीं दूसरी ओर राजकोट मंडी में कपास 7,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास के सौदे 7,800 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 325,22,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी। तो अभी आपने जाना देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे कपास के भाव, और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं हम उन तक ये जो जानकारियां पहुंचा रहे हैं कृषि जिन्सों की, उसी को देखते हुए वो अपना बाजार भी जो है वो तय कर सकते हैं कि किस तरीके के और किस भाव पर जो है आपने अपनी फसलों को बाजार में जो निकालना है और उसकी बिकवाली करनी है। इसी के साथ वक्त हो चला है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिन्सों का हाल, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता, सभी कृषि जिन्सों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। और अब आइए बात कर लेते हैं सेब की, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं दिवाली जो है वो आने वाली है और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस मौके पर जो मंडियाँ हैं उनका किस तरीके का जो है वो बाज़ार हो सकता है, फसलों का क्या आपको वहाँ पर दाम मिल सकता है। तो इस बार हम खास तौर से आपके लिए लेकर आने वाले हैं मंडी खबर की एक खास पेशकश, जिसमें हम आज़ादपुर मंडी जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे, किस तरीके का वहाँ पर होगा बाजार और क्या रहेगा वहाँ पर कृषि जिन्सों का हाल, तमाम जानकारियाँ आपको ज़रूर देंगे। तो देखना ना भूलें हमारा मंडी खबर स्पेशल, दिवाली स्पेशल। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, और अब आपको बताते हैं सेब का बाजार कैसा रहा। तो सेब के निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मेट्रिक टन का हुआ है।
जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मेट्रिक टन का हुआ था, यानी कि 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मेट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव में और इसके साथ ही ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया गया है। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है, लेकिन एग्मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 8,700 रुपए। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की पुणे मंडी का अगर जायजा लें तो यहां पर सेब 9,000 रुपए पर बिका। राजस्थान के श्रीगंगानगर मंडी में इसके सौदे 5,100 रुपए पर हुए, जबकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की तो यहां पर सेब के सौदे 6,600 रुपए पर हुए हैं। और इसी के साथ सेब के बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने के लिए अनार के बारे में कि अनार का बाजार भाव किस तरीके का रहा हमारे देश के अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी से, तो यहां पर अनार का जो भाव रहा है वो है 7,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 14,000 रुपए पर हुए, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसके सौदे हुए 11,500 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसके सौदे 7,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अनार के बाद अब बारी आती है बात करने की गाजर के बारे में, तो गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2,400 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसके सौदे 3,200 रुपए पर हुए, वहीं राज्य की ही पुणे मंडी में गाजर 2,250 रुपए पर बिकी। लेकिन आगे और अब आखिर में बात कर लेते हैं हम लाल मिर्च की, तो कृषि उपज मंडियों में लाल मिर्च की आवक जो है वो सीमित बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च की बिकवाली के लिए जो है वो फसल पहुंची है। एग्मार्क नेट के मुताबिक केरल की पालक्कड़ मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 17,500 रुपए, जबकि तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों में ज्यादा देखने को मिल रही है। साल 2022-23 की अगर बात करें तो लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मेट्रिक टन हुआ है, जबकि इस साल यानी कि 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च का निर्यात का आंकड़ा 6,01,084 मेट्रिक टन स्तर के पार पहुंच गया है। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मेट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अच्छी बात है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसलों में से एक है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। और अब आइए डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर एक नजर। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 2,400 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2,900 रुपए पर हुए, वहीं पंजाब की गणशंकर मंडी में इसका भाव रहा 1,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में आलू 2,010 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले दिनों में सरसों की कीमतों में तेजी के आसार हैं। एक तरफ जहां सर्दियों के मौसम में सरसों तेल की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ सरसों की बिजाई शुरू हो चुकी है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में सरसों की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी, आपने जो हमें हमारे किसानों को चलते चलते एक सुझाव जो है वो दिया है, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद।
और इसी के साथ अब हम आपके लिए आपको बता दें कि आज के मंडी खबर में जो है वो केवल इतना ही, लेकिन अगर आप मंडी खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप चले जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, वहां जाकर भी आप एक बार फिर से जान सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही, उम्मीद करेंगे कि मंडी खबर से आपको तमाम जानकारियां मिली होंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।